हम और आप सभी जानते हैं कि डायनासोर्स की तरह मानव सभ्यता का भी एक दिन अंत आएगा। आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीव अश्मियों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्थियों को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपत्तियों को झेला है, जैसे कि जमना, जिसे हम हिमयुग के नाम से भी जानते हैं, अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही, शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाए। लेकिन क्या हो सकता है जिससे पृथ्वी बंजर बन जाए? आखिर कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? ऐसे हजारों सवाल हमारे वैज्ञानिक के दिमाग में आते रहते हैं। ऐसी कई संभावनाएं जिससे हमारा प्लैनेट अर्थ करोड़ों साल के बाद तबाह हो जाएगा, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। ज्वालामुखी से तबाही। ऐसा संभव है कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखी के विस्फोट से 25 करोड़ सालों में खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव खत्म हो जाएंगे और 95% समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इस दौरान ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा। दूसरे नंबर पर है अंतरिक्ष से कोई ग्रह का टकराने का खतरा। पृथ्वी पर से डायनासोर्स प्रजाति का अंतरिक्ष से ग्रह टकराने के कारण अंत हुआ था। अगर एक भारी भरकम ग्रह के टकराने से विशालकाय डायनासोर्स लुप्त हो सकते हैं, तो फिर ऐसी ही टक्कर से जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि अंतरिक्ष का ग्रह कहां पर टकराए। कुछ बड़े ग्रह पृथ्वी पर टकराए भी हैं, लेकिन इससे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल में ही टकराते रहे हैं। अगर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया तो भी पूरी तरह से पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए। तीसरे नंबर पर है जब पृथ्वी का केंद्र जम जाएगा। पृथ्वी के केंद्र के जमने में करीब 3 से 4 अरब साल लग जाएंगे। धरती का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है कि पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है, तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करती है और रोटेशन को सही करने का प्रयास करती है। एक्टिव कोर नहीं होने की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और उससे पृथ्वी पर पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कई समय पहले मंगल के पास भी चुंबकीय क्षेत्र होता था, जिसे उसने खो दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होने की खबरें पिछले दिनों आती रही है, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है। चुंबकीय क्षेत्र कम नहीं हो रहा, लाखों सालों में ऐसा अंतराल आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा। नंबर 4 पर है गामा किरणों का विस्फोट। वैसे हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं, अगर नहीं तो हम एलियंस के साथ संपर्क क्यों नहीं कर पाए? वैसे पृथ्वी का अंत गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो फिर पृथ्वी पर से पूरी तरह जीवन का समाप्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के करीब पहुंच जाती है तो फिर पृथ्वी से जीवन नष्ट हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर गामा किरण पृथ्वी से टकराते हैं तो पूरी तरह से जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि समुद्र जल रेडिएशन को रोकने के लिए बेहतर विकल्प है। हालांकि इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन दूसरे जीव जंतु बचे रहेंगे। नंबर 5 पर है वांडरिंग स्टार्स। अरबों सालों से हमारा ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर इसके बीच कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? 2015 में हुई एक अध्ययन के मुताबिक ऐसा संभव है, और ये आने वाले 1 लाख सालों में हो सकता है। HIP 85605 हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.4 लाख से 4.7 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। GL 710 के भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंचने की आशंका है। ऐसे तारे सौर्यमंडल के अंदर आने से खतरा हो सकता है, लेकिन इसकी आशंका बहुत कम है। नंबर 6 पर है किसी भी बाहरी चीज से नहीं जीवन से खतरा। जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेसिस लाइट के जरिए हुआ था। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया था। सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है।
इसके चलते वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के खत्म हो जाने से पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पौधों का खत्म हो जाने से जीवन भी खत्म हो जाएगा। नंबर 7 पर है सूर्य का फैलना। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेज रहा है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने ऐसा देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। ऐसा समय आएगा जिस दिन पृथ्वी से समुद्र सूख जाएंगे, लेकिन यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 करोड़ साल बाद सूर्य फैलना शुरू कर देगा। हालांकि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य की चपेट में आने से बच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा। हमारे पास ऐसी तकनीक हो जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाए। लेकिन अब पृथ्वी के पास जीवन बचाने के लिए 7.5 अरब साल ही है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।